हेलो एवरीवन, आई एम सारिका राज और आप देख रहे हैं निक्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फैक्टरी मेथड के बारे में। हम लोग देखेंगे कि फैक्टरी मेथड क्या होता है और आखिर इसे हम लोग अपने जावा प्रोग्रामिंग में क्यों यूज करते हैं और इसके यूज करने से क्या क्या बेनिफिट है। हम प्रोग्राम की मदद से ये भी देखेंगे कि फैक्टरी मेथड को यूज करने से क्या क्या फायदे होते हैं और वो कौन कौन ऐसे मेथड है जिसका हम लोग यूज करते हैं फॉर्मेटिंग करने के लिए। तो ये सभी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक ना सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि फैक्टरी मेथड क्या होता है। तो फैक्टरी मेथड एक स्पेशल मेथड होता है और इसे हम लोग तब कॉल करते हैं जब हमें क्रिएट या रिटर्न करना है ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास का। और इसका जो सिंटेक्स होता है, नंबर फॉर्मेट REF इक्वल टू नंबर फॉर्मेट डॉट गेट इंस्टेंस। यहां पे जो REF है वो एक तरह का रेफरेंस वेरिएबल है जो स्टोर करता है एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ नंबर फॉर्मेट क्लास का। मतलब कि जो नंबर फॉर्मेट क्लास है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है उसके एड्रेस को ये रेफरेंस वेरिएबल स्टोर करता है। यहाँ पे जो मेन जो फॉर्मेटिंग होता है वो एन के कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है अकॉर्डिंग टू आवर वर्क। नंबर फॉर्मेट क्लास को डिजाइन किया गया फॉर्मेट करने के लिए, मतलब कि जो नंबर फॉर्मेट क्लास होता है वो फॉर्मेट करता है या तो बड़े बड़े से बड़े डाटा को या फिर छोटे से छोटे डाटा को भी। और ये हम अपने डिजाइन मतलब अपने विश के अनुसार जैसा हम चाहते हैं उसके अनुसार हम लोग इस नंबर बड़े से बड़े नंबर को और छोटे से छोटे नंबर को हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक फ्रैक्शन नंबर है और वो बहुत लार्ज में है, हम चाहते हैं कि वो फ्रैक्शन नंबर मेरा रिड्यूस हो जाए या फिर हम चाहते हैं कि वो फ्रैक्शन नंबर और इंक्रीज कर जाए या फिर और कम हो जाए। ये सारा टास्क हम लोग फॉर्मेटिंग ये नंबर फॉर्मेट क्लास के मदद से हम लोग कर सकते हैं और ये कैसे करते हैं हम लोग थोड़ी देर में देखने वाले हैं। अब हम लोग देखते हैं कि नंबर फॉर्मेट क्लास के कितने मेथड होते हैं जो जो पॉपुलर है। तो नंबर फॉर्मेट क्लास के चार मेथड है, एक है सेट मैक्सिमम इंटीजर डिजिट, एक है सेट मिनिमम इंटीजर डिजिट, एक है सेट मैक्सिमम फ्रैक्शन डिजिट और एक है सेट मिनिमम फ्रैक्शन डिजिट। यहाँ पे जो सेट मैक्सिमम इंटीजर डिजिट कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो इंटीजर वैल्यू होता है ना इसको हम लोग मैक्सिमम कितना डिजिट तक रख सकते हैं या फिर मिनिमम कितना डिजिट तक होना चाहिए। और यहाँ पे जो फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन यहाँ पे पॉइंट के बाद जो नंबर आता है इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ 15 है, इतना ना होगा मेरा 5 तक ही प्रिंट हो मैक्सिमम या मिनिमम मेरा 2 तक प्रिंट हो। इस टाइप से हम लोग इस फॉर्मेट मेथड का हम लोग यूज कर सकते हैं। और हम लोग चलिए एक सिंपल से प्रोग्राम की मदद से हम लोग इन मेथड का यूज करके देखते हैं कि आखिर ये फॉर्मेट करता कैसे है और जावा इसको कैसे सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे मैंने इक्लिप्स को ओपन की हूँ। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि जावा जो टेक्स्ट ये लाइब्रेरी फाइल मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि जो नंबर फॉर्मेट होता है वो जावा डॉट टेक्स फाइल में जो लाइब्रेरी फाइल है उसमें इंक्लूड होता है। और जब मैं नंबर फॉर्मेट क्लास को यूज कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे ये इसको इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, मतलब इसको इम्पोर्ट करना रहता है। और इसी वजह से मैंने जावा डॉट टेक्स डॉट स्टार इसको मैंने इंक्लूड किया, मतलब इसमें जितना भी लाइब्रेरी है जो उसको जो इसमें नंबर फॉर्मेट है वो सारा चीज इसमें इंक्लूड हो गया मतलब इंपोर्ट हो गया ताकि मेरा प्रोग्राम रन करने पे कोई एरर ना शो करे। तो आपको समझ में आएगा कि रावा जो टेक्स्ट क्यों यूज किए हैं। अब हम लोग यहाँ पे नंबर फॉर्मेट, जैसा कि मैंने बताया कि जो REF होता है वो क्या करता है, नंबर फॉर्मेट क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके एड्रेस को स्टोर करता है। और यहाँ पे मैंने एक सिंपली एक डबल नाम डबल डाटा टाइप पी रखे हैं, वेरिएबल रखे हैं जो डबल डाटा टाइप का है उसमें वैल्यू रखे हैं 22 डिवाइडेड बाय 7 और एक डबल नाम का सरकम है जो इस वैल्यू को कैलकुलेट करेगा। यहाँ का पी का वैल्यू यहाँ पे आएगा और इसको कैलकुलेट करके वैल्यू देगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पॉइंट के बाद बहुत सारा डिजिट हो सकता है कि यहाँ पे जो हम लोग रिस्ट्रिक्ट करें, हम चाहते हैं कि जो यहाँ पे जो मिनिमम डिजिट हो मतलब इंटीजर डिजिट हो 3 तक हो और मैक्सिमम इंटीजर डिजिट 4 तक ही हो। तो हमने REF की मदद से इसको ऐसा इस मेथड को यूज कर सकते हैं, जैसे REF डॉट सेट मिनिमम इंटीजर डिजिट 3 और REF डॉट सेट मैक्सिमम इंटीजर डिजिट 4। मतलब ये हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर दिए कि जो मिनिमम मेरा इंटीजर डिजिट वो 3 होगा और मैक्सिमम जो इंटीजर डिजिट होगा वो 4 होगा। और यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग एस नाम का एक स्ट्रिंग डेटा टाइप रखा और उसमें क्या किए मैंने REF डॉट फॉर्मेट मेथड को कॉल किया और वहां से जो फॉर्मेट है उसमें सरकम को इसमें डाल दिया, मतलब यहाँ से वो सब फॉर्मेट हो जाएगा जैसा कि हम लोग इस मेथड को यूज करें उस हिसाब से वो फॉर्मेट हो जाएगा। और उसके बाद उसको मैंने उसको वहां पे प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू मैं उसको प्रिंट कर दूंगी। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि आखिर ये कैसे वर्क हो रहा है।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, यहाँ पे जो प्रिंट स्टेटमेंट था और यहाँ पे एस जो है, यहाँ पे जो फॉर्मेट करके जो वैल्यू है वो यहाँ पे फॉर्मेट हो गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जैसे लिखा था कि मिनिमम इंटीजर डिजिट 3 होना चाहिए और मैक्सिमम इंटीजर डिजिट 4 होना चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मैक्सिमम जो फॉर्मेट डिजिट में जो मैक्सिमम इंटीजर डिजिट था वो 4 तक आया। और यहाँ के बाद वो मैंने फ्रैक्शन के लिए कोई ये नहीं दिया था, मतलब कोई मेथड यूज नहीं की थी, इसलिए जितना है उतना फ्रैक्शन में यहाँ पे डिजिट शो हो गया। तो आप इसमें एक जो नंबर फॉर्मेट में एक और फीचर्स होता है जिसमें कि उसमें होता है कि यहाँ पे जो फॉर्मेट किया गया, जैसे फॉर्मेट करने का मतलब यहाँ पे जो 1000 के बाद कॉमा लगता है, जो जनरली हम अपने हम जो नंबर लिखते हैं तो 1000 के बाद कॉमा लिखते हैं, फिर ये 1 लाख का अगर डिजिट होगा वहाँ पे भी हम लोग कॉमा का जो फॉर्मेटिंग करते हैं वो इसमें बाय डिफॉल्ट होता है, मतलब कि हमें मैन्युअली इसको करना नहीं पड़ता है, ये बाय डिफॉल्ट ये वर्क करता है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि नंबर फॉर्मेट मेथड ये कैसे वर्क करता है। तो चलिए यहाँ पे जो मैंने फ्रैक्शन में डिजिट लिया हम मैं यहाँ पे इंटीजर में लेके देखती हूँ कि इसको कैसे फॉर्मेट करता है ये फॉर्मेट में सर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इंटीजर में जो वैल्यू आएगा मेरा बस मैक्सिमम इंटीजर डिजिट 4 ही तक जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डिजिट 4 तक ही इस वैल्यू को लेगा, मतलब नंबर को फॉर्मेट कर दिया। तो ऐसे हम लोग नंबर फॉर्मेट क्लास का यूज करके हम लोग डिजिट को, बड़े से बड़े डिजिट को हम लोग छोटा कर सकते हैं या फिर छोटे डिजिट को हम लोग बड़ा कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना डिजिट तक हम चाहते हैं अपने विश के अनुसार, अपने डिजायर के अनुसार, अपने वर्क के अनुसार हम ये सब चीज़ें हम लोग नंबर फॉर्मेट क्लास की मदद से कर सकते हैं। और ये नंबर फॉर्मेट मेथड इस तरह से हमारा वर्क करता है। और हम लोग आज जो क्लास हुआ इसमें हम लोग देखें कि नंबर फॉर्मेट क्लास क्या होता है और ये कैसे वर्क किया। तो होप सो आपको समझ में आएगा कि नंबर फॉर्मेट क्लास क्या होता है और इसे हम लोग अपने जावा प्रोग्रामिंग में क्यों यूज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग जावा के अगले कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।